हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आप लोगों को बताया है कि कल बर्थडे है मेरा, तो इसीलिए आज निकली हूँ शॉपिंग करने के लिए। सोची हूँ कि अपने लिए कोई नया ड्रेस लूँगी जो कि कल पहनना है मेरे बर्थडे पे, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ न्यू मार्केट। तो चलिए अब मार्केट जाते हैं, उसके बाद ही आपसे मिलते हैं और वीडियो के लास्ट में सब कुछ शेयर करूँगी क्या क्या खरीद के लाई हूँ, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आज जो है बर्थडे का शॉपिंग करने निकली हूँ और न्यू मार्केट एरिया में आई हूँ। फिलहाल कुछ कपड़े लेने का सोच रही हूँ, तो जा रही हूँ सिम पार्क मॉल के अंदर। मैं एंटर कर ही रही हूँ बस, तो देर से शुरू की ब्लॉग। और चलिए देखते हैं, कुछ पसंद आएगा तो लेंगे। बाहर भी काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन कुछ अच्छा लेने का सोची हूँ, तो जा रहे हैं सिम पार्क मॉल के अंदर और देखते हैं कि कुछ अच्छा लगता है कि नहीं। कलेक्शन तो बने रही ब्लॉग। और फ्रेंड्स, क्योंकि तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो पूरा मार्केट घूम घूम के आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत जो कलेक्शन दिखा सकूंगी वो बस आप देखिए। और मैंने भी ये पूरा मॉल जो है घूम के देखा, उसके बाद की हूँ कुछ कुछ शॉपिंग जो वीडियो के आखिर में दिखाऊंगी। लेना था मुझे एक ड्रेस और बदले में मैंने ले लिया है चार ड्रेस। कंट्रोल ही नहीं होता है, देख के इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन रहते हैं कि बस मन करता है और ले लूँ। इसी चक्कर में चार कपड़े खरीद ली हूँ। तो बने रहिए, ब्लॉग देखिए, अच्छा लगेगा होप आप लोगों को। फिर बाहर से भी कुछ आदि के लिए शॉपिंग करेंगे और सब कुछ वीडियो के आखिर में आप लोगों से शेयर भी करेंगे, दिखाएंगे क्या क्या खरीद के ले गई हूँ आज। तो चलिए, शॉपिंग आधा समझिए मेरा हो ही गया है। और ये शॉपिंग करने के बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ा सा कुछ स्नैक्स खाने के लिए, नाश्ता वगैरह, क्योंकि जानते हैं आपकी चक्कर आने का दिक्कत हो रहा है मुझे, तो मैं ज़्यादा देर खाली पेट रहना नहीं चाहती हूँ। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई, पता है आदि को भी लेके आने वाली थी, लेकिन आदि की तबीयत सडनली ख़राब हो जाने की वजह से अकेले ही आना पड़ा, उसको नहीं लाई हूँ। ज़्यादा शॉपिंग ना है और तबीयत भी ठीक है नहीं ना, तो ज़्यादा भाग दौड़ कर नहीं हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ। तो क्या क्या शॉपिंग हो रहा है ये सब घर पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिए। और आधा शॉपिंग करने के बाद अभी आ गई हूँ थोड़ा कुछ नाश्ता वास्ता करने के लिए रेस्टोरेंट में, तो कुछ खा लेती हूँ, इसके बाद फिर चलते हैं। और खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है, आने दीजिए। तो ये देखिए, ये रेस्टोरेंट है जिसमें मैं आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का एटमोसफेयर, क्योंकि पीछे से जो है ना बहुत अच्छा बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल जो 80s के ज़माने की सॉन्ग्स है ना, पुराने गाने सब, किशोर कुमार के, मोहम्मद रफ़ी के, वो सब इंस्ट्रूमेंटल मतलब सिर्फ म्यूज़िक में बज रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे तो यहाँ बैठे हुए। और ये देखिए, ये मैं मंगाई हूँ, वेज फिंगर्स है, साथ में फ्रेंच फ्राई है। आज थोड़ा वेज ही खाना था मुझे, इसीलिए वेज, और इतना तो खाऊँगी नहीं, तो आधा मैंने खाया है अपने से खुद के लिए और बाकी का मैंने आदि के लिए पैक करवा लिया था। साथ में आदि को खाना था मोमोज़, ये शॉप का मोमो उसे बहुत पसंद है, तो एक प्लेट उसके लिए वेज मोमो भी पार्सल मैंने करवा लिया था। तो बस अब नाश्ता करते हैं अपना अकेले अकेले बैठे बैठे। और ये देखिए, कभी कभी आप लोग देखते हैं ना कुछ कोट्स, ऐसा आता है कि अगर आप कोई मूवी अकेले देखने जा सकते हैं या अगर आप कभी रेस्टोरेंट में अकेले खाना खा सकते हैं, तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, यानी कि आप एक स्ट्रांग वुमन है। तो हाँ, सच्ची अकेले होने का, सिंगल होने का सच्ची बहुत इन्जॉय भी करती हूँ मैं सिंगल होना। ऐसा नहीं है कि बहुत दुखी रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि सिंगल होना तो सही है, लेकिन किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो हर माँ बाप से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने ना सिर्फ बेटे को बल्कि अपनी बेटियों को भी इस काबिल बनाइए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, उसके बाद ही शादी ब्याह का आप लोग सोचा कीजिए। ज़माना बदल रहा है, ज़माने के साथ आप लोगों को चलना चाहिए। बेटियों को भी पढ़ा लिखा के काबिल बनाना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, ताकि बाय द वे कभी कुछ गलत हो जाता है उनकी लाइफ में, आप लोग तो हमेशा होंगे नहीं उसे संभालने के लिए, तो वो अगर उसके अंदर हुनर होगा, गुण होगा, पढ़ी लिखी होगी, तो अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल वो अकेले भी रख पाएगी, ठीक वैसे जैसे कि मैं आदि का ख्याल रखती हूँ अकेले। और किसी पर भी निर्भर नहीं हूँ, ना हस्बैंड से पैसे लेती हूँ, ना ही मैं अपने पापा से पैसे लेती हूँ। अपने ऊपर मैं निर्भर हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, और ना ही इसीलिए मुझे किसी को किसी तरह की कैफियत देने की ज़रूरत रहती है कभी भी। तो लड़कियों से भी मैं कहना चाहूँगी, अगर आपके साथ कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट होता है जैसा कि मेरे साथ हुआ, एक नहीं दो बार हुआ, एक शादी लोगों की टूट जाती है तो कितना सोचिए, कितना ज़्यादा तकलीफ़ वाली चीज़ होती है। और मेरे साथ तो ये दो बार हुआ है, जी हाँ, दो बार मेरी शादी टूटी है और अब मैं एक सिंगल मदर
होके लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, और मैं आपको कहना चाहूँगी मैं अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट इन्जॉय कर रही हूँ, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। हाँ, लोनलीनेस तो रहता है एट टाइम्स, आपको लगता है कि काश कोई ऐसा लाइफ पार्टनर होता जिससे आप अपनी चीज़ें शेयर करते एटलीस्ट दिन के एंड में। दिन भर तो काम में बीतता है, लेकिन रात में कोई ऐसा हो जिसके साथ शेयर की जा सके बातें और चीज़ें, अपनी तकलीफ़ें, अपना सुख दुख। लेकिन फिर वही है ना, अगर लाइफ पार्टनर ढंग का नहीं है और रोज़ की खिचखिच है, टेंशन है, और सपोर्ट से ज़्यादा वो आपको टेंशन हो रहा है उस चीज़ में, टॉक्सिक है वो रिलेशन, तो ऐसे रिलेशन से अच्छा है कि आप अकेले रहो, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि मैं रह रही हूँ, देखिए खुद कमाती हूँ, खुद खा रही हूँ अपना, और खुद शॉपिंग कर रही हूँ, एक के जगह मैंने आपको बताया ना चार चार कपड़े खरीद लिए, तो इसके लिए ना ही मुझे हस्बैंड को कैफियत देना है कि क्यों इतने पैसे वेस्ट किए, ना ही मुझे अपने मम्मी पापा से बोलना है क्यों पैसे वेस्ट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि कमाई भी अपनी है और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। मेरा बर्थडे है तो खुद को गिफ्ट देने का मन हुआ, खुद को खुश रखना चाहती हूँ, क्योंकि टेंशन तो लगी ही रहती है, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि खूब सारी शॉपिंग करती हूँ अपने लिए, ताकि मुझे एक हैप्पी वाली फीलिंग आए। और साथ में ये रेस्टोरेंट में बैठे बैठे वो गाना मैं इतना एंजॉय कर रही थी जो बैकग्राउंड में बज रहा था, वो मैं सुना नहीं सकती वरना कॉपीराइट आ जाता है ना फ्रेंड्स। तो वो म्यूज़िक जो बज रहा था, साथ ही साथ मन ही मन गुनगुना रही थी और खाना अपना एंजॉय कर रही थी। और इस रेस्टोरेंट में ना आप जो भी खाइए बहुत टेस्टी होता है। मैं जब निकलूँगी तो आपको इस रेस्टोरेंट का नाम भी दिखा दूँगी रेस्टोरेंट के बाहर निकलने के बाद। ये श्रीराम मार्केट है ना, उसी लाइन में है, तो काफ़ी अच्छा है। आप लोग अगर आते हैं न्यू मार्केट, यहाँ आके ट्राई कीजिए, कुछ भी मंगा के देखिए, हर कुछ यहाँ पे बहुत टेस्टी होता है। हम लोग अक्सर ही जब भी न्यू मार्केट आते हैं, अगर कुछ खाना हो तो यहीं पे आते हैं खाने के लिए। एनीवेज खा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ, और सच्ची ये सिंगल लाइफ जो है ना, वो मेरे ख्याल से मैं जितनी तकलीफ़ देखी हूँ ना पास्ट में दो दो शादियों में, तो उससे कहीं 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 ज़्यादा बेटर लाइफ मेरी ये है, मुझे ऐसा लगता है। आदि को लेके सच्ची बहुत खुश हूँ, जैसी भी हूँ, चाहे तबीयत ख़राब हो, ये तो चलिए ठीक है, तबीयत ख़राब है एक दिन की बात है, आज ख़राब है फिर ठीक भी हो जाएगा, बिजनेस में भी अप डाउन लगा ही रहता है। लेकिन जो लाइफ में जो सुकून है ना, ये सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अंदर से हैप्पी नहीं हैं अपनी रिलेशनशिप में, अगर आपको सुकून नहीं है, आपको पीस जो होता है, शांति नहीं है जीवन में, तो फिर ऐसी रिलेशनशिप्स का क्या ही फ़ायदा। तो ये देखिए, यही है वो रेस्टोरेंट जो मैंने आपको बाहर से भी दिखा दिया, इसका नाम रुचिका नाम का रेस्टोरेंट है। तो एनीवेज खाना पीना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं और बाकी की शॉपिंग करते हैं। व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, नाश्ता भी हो गया, बढ़िया पेट भर गया है, आदि के लिए पैक भी करवा लिए हैं। अब चलते हैं, बाकी का जो भी शॉपिंग है थोड़ा बहुत वो सब कर लेते हैं, इसके बाद घर जाएंगे ना, फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या खरीदे हैं। आदि को घर छोड़ के आई ना, अच्छा भी नहीं लग रहा है बेचारा, बहुत उसको आने का मन था आज, पता है सडनली उसका तबीयत बिगड़ गया, अब क्या ही करूँ, इसीलिए उसको छोड़ के आना पड़ा। खैर, उसके लिए पार्सल ले लिए हैं जो जो बोला है, थोड़ा बहुत आदि के लिए भी शॉपिंग करना है मुझे, उसको ट्राउज़र चाहिए था और शॉर्ट्स चाहिए था, तो वही सब खरीदूंगी। मार्केट आए हो और फुचका ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एनीवेज फुचका खा लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ भीड़ कितनी है मार्केट में, और साथ में बारिश के वजह से रास्ते का हालत भी दिखाती हूँ, फिर घर पहुँच के बातें करेंगे फ्रेंड्स। आज ही रात को 12 बजे से समझिए बर्थडे की शुरुआत हो जाएगी मेरी, तो आदि ने ये देखिए आइसक्रीम मंगवा के रखा है, कि केक तो अभी है नहीं, उसकी भी तबीयत बिगड़ गई, वरना वो तो अभी ही केक लेके आया होता और आज ही रात को कटिंग करवाता। एनीवेज केक नहीं ला पाया था, तो ऑनलाइन से ही देखिए आइसक्रीम मंगवा के रखा है, कि 12 बजते ही आइसक्रीम खा के बर्थडे की शुरुआत करेंगे हम लोग। तो चलिए आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ क्या क्या खरीद के लाई हूँ। भीड़ भाड़ से आए ना फ्रेंड्स, बहुत थक गए,
और एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। एनीवेज चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या लेके आए हैं। पूरा ओपन कर करके नहीं दिखा रही हूँ, शॉर्टकट में दिखा दे रही हूँ, फिर जब पहनेंगे तब तो आप लोग देख ही लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए दिखा, ये देखिए ये एक सलवार सूट ली हूँ। ऑल्टर करवाने का समय नहीं है पता है, ये मतलब सेट है, इसके साथ ही दुपट्टा भी है और इसका जो नीचे का भी पैंट या पैजामा जो भी कह लीजिए वो पूरा है। ये देखिए तो ये एक सेट है, पूरा कंप्लीट सेट है थ्री पीस का। एक ये ली हूँ और ये सब ना थोड़ा थोड़ा ऑल्टर करवा के फिटिंग करवाना होगा, लूज़ होता है मुझे तो वो तो समय मिला नहीं। खैर तो फिलहाल बर्थडे में ऐसे ही पहन लेंगे और उसके बाद देखा जाएगा। और ये देखिए एक ये है, ये सिर्फ कुर्ती है, वन पीस लिए हैं, कॉफ़ी कलर में है। और ये देखिए सामने पूरा इस तरह से वर्क किया हुआ है और हैंड्स में और दामन में इस तरह से लेस की पाइपिंग है, हैंड में भी है। कलर कैसा लग रहा है बताइएगा आप लोग कमेंट करके, पता नहीं फ़ोटो में आप लोगों को कितना समझ में आ रहा होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से कलर है, कॉफ़ी कलर टाइप का है, अच्छा लगा मुझे तो मैंने लिया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा। एक तो हो गया ये, एक हो गया ये, और भी दिखाती हूँ। एक ये पैंट है, ये एक और कुर्ती ली हूँ उसके साथ सेट करके ली हूँ। ये देखिए इस तरह से इसमें बटन है और पूरा ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है, मतलब इलास्टिक जैसे होता है ना, पूरा स्ट्रेचेबल, एक हाथ से दिखाते नहीं बन रहा है। एनीवेज इसके साथ भी एक कुर्ती मैच करके ली हूँ, दिखा रही हूँ, सब पैकेट में है ना और एक एक करके निकाल रहे हैं तो इसीलिए। ये देखिए ये इसके साथ मैच करके ली हूँ। तो ये सभी को जो है ना ऑल्टर करवाना होगा। ये भी देखिए इस तरह से नीचे पट्टी लगी हुई और ऐसे लेस हाथ में भी है। कलर सब कैसा लग रहा है बताइएगा आप लोग। तो ये इसके साथ कंबाइन करके इसमें भी सब देखिए वर्क तो किया हुआ है। तो एक सेट हो गया, ये तीन हो गया, एक और भी है वो भी दिखाती हूँ। जब खूब सारी शॉपिंग की हूँ समझ ही रहे हैं, बर्थडे में एक ड्रेस लेने से भी चलता, लेकिन मैं जो है ना इतने सारे लेके आई हूँ। एक देखिए ये, सबको आप बताइएगा कैसा लग रहा है। ये भी टू पीस का सेट है मतलब, और ये थोड़ा सा ग्लॉसी ग्लॉसी टाइप का कपड़ा है देखिए, और साथ में ना इसके जो पैंट के नीचे इस तरह से लेस है और यही लेस हैंड पे भी है इस तरह से। ये पूरा पैंट है और साथ में इसमें देखिए धागे का वर्क किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत नीचे तक मतलब है देखिए इस तरह से वर्क है, नीचे भी बूटी है और साथ में ये देखिए नीचे जो दामन होता है ना दामन पे भी लेस है और साथ में ये देखिए हाथ में भी लेस है, साइड्स में भी इस तरह का बॉर्डर है देखिए, काफ़ी सुंदर है ये वाला। और इसके साथ ये भी है पैंट। तो ये चार मैं ली हूँ अपने लिए और इन चारों में से मैंने सोचा है कि ये वाला कल पहनूंगी बर्थडे के लिए, और ये तीनों जो है ये रख लेंगे ऐसे ही, फिर कभी पहन लेंगे। पहले ऑल्टर भी करना ज़रूरी है ना, थोड़ा लूज़ लूज़ रहता है वो, फिटिंग करना होगा, इसको भी थोड़ा सा फिटिंग करना ही पड़ता, लेकिन अब पहन लेंगे ऐसे ही, क्या करेंगे, अभी ऑल्टर करने का समय ही नहीं है। तो ये चार ड्रेसेस हो गई मेरी और अब दिखाती हूँ आदि के लिए क्या लेके आई हूँ, इसको साइड करूँ। एक लेने गई थी और चार लेके आई हूँ बताइए। ये देखिए आदि के लिए एक शॉर्ट्स लेके आई हूँ, हाफ पैंट इसको लगता रहता है घर में, मतलब हाफ़ पैंट ही ज़्यादा करके पहनता है, साथ में थोड़ा बहुत सामान वामान लाने जाता है ना, तो इस तरह का लूँ, पॉकेट में जिप लगा हुआ है तो अच्छा रहेगा, पैसे वगैरह रख के ले जाएगा तो गिरने का डर नहीं है। और ये वाला जो मटेरियल है ना बहुत इसको कंफर्टेबल होता है, तो इसीलिए ये इसी तरह का लाई हूँ। एक हो गया ये आदि का शॉर्ट, और क्योंकि मेरा बर्थडे है मैं कल नया पहनूंगी तो आदि को नहीं पहना हूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए आदि के लिए भी एक सेट ले ही लिए हैं कपड़ा। ये ना इसमें आपको बैगनी जैसा दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअली में है मैरून, लाइट में सही से दिख नहीं रहा, देखूँ फ्लैश ऑफ करके देखूँ, ये एक्चुअली में है मरून कलर का, डार्क मरून, बहुत ही अच्छा कलर है, कैमरे में थोड़ा सा अलग दिख रहा है कलर। तो इस तरह का ही पैंट आपने देखा होगा आदि हमेशा पहनता है, तो एक उसके पास ब्लैक है, एक थोड़ा ब्लू टाइप में है टर्कइज ब्लू, तो ये वाला मैंने ले लिया एक इस तरह से कलर, और साथ में ली हूँ उसके लिए एक टी शर्ट भी ताकि वो कल पहन सके। टी शर्ट आपको खोल के दिखाते हैं क्योंकि मैं नया नया कपड़ा पहनूंगी और बच्चे को
नहीं पहनाऊंगी नया तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है, कल जब पहनेगा तब अच्छे से दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये हो गया आदि के लिए ख़रीदी हूँ, और इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब क्या ही दिखाना है। कुछ इनर वगैरह ख़रीदे हैं फ्रेंड, वो सब क्या दिखाएंगे, वो सब जाने दीजिए। इनर गारमेंट्स हैं कुछ, तो मोर और लेस यही सारी चीज़ें थी जो ख़रीद के लाई हूँ अपने लिए और आदि के लिए। तो ये सब कैसा लगा बताइएगा, और कौन सा खास करके मेरे वाले चार सूट में से आप लोगों को सबसे अच्छा कौन सा लगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। चार है, चारों में से कौन सा अच्छा लगा ज़्यादा। आज का व्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड्स, बताइएगा ये चारों कपड़े में से कौन सा वाला आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा मेरा, जो हम अपने लिए सूट सब लेके आए हैं। और एक के लिए दुपट्टा भी मुझे लेना होगा, तो अभी नहीं ले पाई, तबीयत ठीक नहीं ना, इतना भागा दौड़ी नहीं हो पा रही थी मेरे से। तो कभी किसी दिन जब बड़ा बाजार जाऊँगी ना तो वहाँ से दुपट्टा ले लूँगी। सारा तो अभी पहनना है नहीं, एक ही पहनूँगी, तीन रख दूँगी, फिर कभी कोई ऑकेशन ऐसा कुछ होगा तो देखेंगे पहनेंगे। ब्लॉग कैसा लगा है बताइएगा, अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूअर्स जो आज पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे और ब्लॉग अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब कल का बर्थडे, कल मेरा बर्थडे है तो कल का ब्लॉग बहुत अच्छा रहेगा, शूट करूँगी सब कुछ जो कुछ भी करूँ दिन भर। अभी कुछ ठीक से प्लान नहीं है क्या करना है, सुबह उठेंगे फिर देखेंगे। आज के लिए बाय बाय, कल का ब्लॉग देखिएगा, बहुत एक्साइटिंग होगा। चलिए मैं भी बहुत खुश हूँ, आपको देख के लग ही रहोगा, बर्थडे है तो खुश रहना बनता है। इतना सारा शॉपिंग किया है ताकि खुद को अच्छा फील करा सके, इतने सारे गिफ्ट्स खुद को दिए मैंने। बाय बाय, बाकी सब कुछ कल। हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पंपली, कैसे बोल रहा था वो, बोलो हैप्पी बर्थडे पंपली।